नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। किसानों के मुआवजा सहित विभिन्न मांगों को लेकर युवक कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने हनुमान मंदिर चौराहे पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। केंद्र सरकार हर फ्रंट पर फेल हो रही है। जो भी नवरत्न कंपनियां हैं देश की, उनको सरकार बेचने का काम कर रही है। डीजल पेट्रोल का इंटरनेशनल स्तर पर पैसा कम हुआ, लेकिन सरकार द्वारा विभिन्न तरह के टैक्स लगाकर दाम बढ़ा दिए गए। साथ ही कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भाषण देने की कला है, जिसके चलते वह मूल मुद्दों को हटा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूल मुद्दों को हटाने की बात कर रहे हैं। वह मूल विषय शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब राहुल गांधी ने इन बातों पर सवाल किया तो उन्हें देशद्रोही बताया जाता है। राष्ट्र के लिए सोच पैदा करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बना नहीं सकते तो उसको बिगाड़ने से बचाना चाहिए। वहीं एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कांग्रेस पार्टी में श्रीमंत हुआ करते थे, वह बीजेपी के मंच पर आखिरी कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर बुरा तो लगता है, जिन्हें पार्टी में इतना मान सम्मान पद दिया, अब वह मंच पर आखिरी में बैठे हुए नजर आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष और काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे क्षेत्र में किसान प्रताड़ित है, लेकिन सरकार न तो मुआवजे की बात कर रही है, न कोई ठोस कदम उठा रही है। 100% फसल बर्बाद हो चुकी है। अब सरकार का सबसे पहले तो विपक्ष पे रहते हुए जिस तरह वह 40,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की बात कर रही थी, वह किसानों को देना चाहिए। कमलनाथ जी के समय जो बीमा आ रहा था, उसकी देने की तारीख आगे बढ़ाने की जगह उसे समय पर रहते किसानों को दे। साथ ही कुणाल चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में लगातार कई सालों से सोसाइटियां किसानों का शोषण करती आ रही है। सिर्फ 100 सोसाइटी नहीं, क्षेत्र की सभी सोसाइटियां किसानों के बीमा खा चुकी हैं। सभी की जांच की जाना चाहिए। वहीं सबसे पहले मुआवजा डालने का काम करें और रोजगार देने की शुरुआत करें। और यदि मुख्यमंत्री जल्द ही मुआवजा नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के घर के सामने प्रदर्शन करेंगे। काला पीपल से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। जो इस देश की वो सारी कंपनीज जो कि अभी तक बहुत फायदा दे रही है, सरकार चूंकि दिवालिया स्थिति है, देखिए 23.9 GDP नीचे चल रहा है, उसको देश की वित्तमंत्री बोलती है एक्ट ऑफ गॉड। ये अपने आप में बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि इस भारतीय इतिहास में किसी वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया ये सर्वाधिक हल्का स्टेटमेंट। जब सरकार से समझ नहीं रहा और हर फ्रंट पर जब सरकार फेल हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है कि अपनी जनरेट करने की हमारी जो ब्लू चिप बहुत अच्छी नवरत्न कंपनीज हैं, उन कंपनीज को लगातार बेचने का काम। पूरे क्षेत्र में किसान प्रताड़ित है और सरकार आश्वासन के अलावा ना तो ठोस कोई कदम उठा रही है, ना मुआवजे की बात कर रही है। लगातार किसान मांग कर रहा है कि 100% सोयाबीन की फसलें खराब हो चुकी है। पहली फुर्सत में जो 40,000 रुपए हेक्टेयर के मुआवजे की बात सरकार विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री करा करते थे, वो मुआवजा देने की बात करें तो मुआवजा तो दूर, जो बीमे की बात, जो कमलनाथ जी सरकार का बीमा आने वाला था, कभी 6 तारीख, कब 8 तारीख, तारीख पे तारीख देने की बजाय टाइम पे वो देने का काम करें। हमारी मांग थी कि इसके ऊपर जो मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये सरकार से हमारी मांग है, क्योंकि फसलें खत्म हो चुकी है। साथ में जो बीमा कंपनियों के साथ साठगांठ करके एक दिन के लिए बीमा खोला गया और 31 तारीख के बाद बीमा जो बंद कर दिया गया। आ रेणी किसान की हालत खराब है, उसका बीमा आगे की फसल का नहीं हुआ और फसल चौपट हो चुकी है। साथ ही यहाँ पे पूरी सोसाइटियों में जिस तरह का भ्रष्टाचार है पूरे क्षेत्र के अंदर, लगातार कई सालों से किसानों का शोषण सोसाइटियां करते आ रही है। सिर्फ एक नान्नी सोसाइटी नहीं, पर पूरे क्षेत्र के अंदर इन सोसाइटियों के हाल है, उसकी जांच की मांग करते हुए कई लोगों के बीमे खा चुकी है सोसाइटी के कर्मचारी, कई कर्मचारी लोगों के मुआवजे के पैसे खा चुके। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।